हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज रिव्यू करूंगा जो सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप पोजीशन बुक है, एसएस भाभीगाटी बुक का अभी रिव्यू करूंगा। देखिए, इस बुक का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और कॉन्वेंशनल क्वेश्चन भी इसमें है। तो इस बुक का कॉन्वेंशनल के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग लिख सकते हैं। इस बुक का जो प्राइस है वो प्रिंटेड प्राइस है 625, आपको 400 और 450 में आपको मिल जाएगा। इसमें लगभग 703 पेजेस इसमें है। तो क्या क्या इसमें है देखते हैं। इसका जो राइटर है एसएस भाभीगाटी सर है। देखिए, पहले कंटेंट दिया है, कंटेंट में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है। ये जो पहले जो पार्ट है 1.1 से 1.16 तक, इसमें सब कॉन्वेंशनल पार्ट है। लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है। सेकंड जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विंग, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील स्ट्रक्चर्स। ये जो नया कोड बुक आया है IS 456-2000 एंड स्टील स्ट्रक्चर में IS 800-2007, तो इसमें इससे रूल्स फॉलो किया है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, टनलिंग, डॉक्स एंड हार्बर, ब्रिज इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर का सभी सब्जेक्ट इसमें है। इस्टीमेशन कॉस्टिंग इसमें नहीं है, तो इस्टीमेशन कॉस्टिंग को छोड़ के सभी पार्ट इसमें है, ठीक है। तो पहले हम लोग लेता हूँ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स का जो पार्ट है, क्लासिफिकेशन इसमें थोड़ा बहुत दिया है। ये बुक आप लोग कॉन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए ले सकते हैं। इस बुक वन टाइप ऑफ हैंडबुक ही है, तो हैंडबुक के तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पर इसे फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है। देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स, उसके बाद क्वेरिंग, देन टेस्ट ऑफ स्टोन, टिम्बर क्लासिफिकेशन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सभी इसमें दिया है। उसके बाद ब्रिक्स दिया है। देखिए, ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज है 190x90x40 mm, इसमें दिया है। मोटर के साथ कितना है वो भी दिया है। अभी का जो इंग्रेडिएंट्स है, एल्यूमिनियम, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सब इसमें दिया है। उसके बाद क्ले प्रोडक्ट दिया है, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स दिया है, फेरस मटेरियल्स, नॉन फेरस मटेरियल्स, सभी इसमें दिया है। तो पहले इसमें दिया है कॉन्वेंशनल पार्ट, उसके बाद दिया है, देखिए लास्ट में पार्ट क्या दिया है, थर्माकोल, उसके बाद पीवीसी बिल्डिंग्स प्रोडक्ट, सभी इसमें दिया है। उसके बाद दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, स्टोन का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें है, उसके बाद देखिए टिम्बर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें सभी यूनिट को अंडरलाइन करके इसमें दिया है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये बुक बहुत ही अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और थोड़ा बहुत कॉन्वेंशनल पार्ट भी इसमें दिया है। देखिए, इसमें लगभग 270 टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, आंसर है लगभग 350, टू फॉल्स लेके 350 क्वेश्चन इसमें है। पहले जो बिल्डिंग मटेरियल पार्ट है इसमें, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी इसमें दिया है। देखिए, तो मुझे लगता है ये बुक बहुत ही अच्छा है, आप लोग ये बुक ले सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत इतना ज़्यादा नहीं है,
अरबिक ई बुक बहुत ही अच्छा है, SS बबीगट्टी सर का है, ठीक है। तो बुक का रिव्यू कैसा लगा मुझे बोलना कमेंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टेक्स्ट बुक का रिव्यू करूँगा जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का है, SK सुब्रमण्यम, तो के सुब्रमण्यम सर का इस बुक रिव्यू करूँगा। और उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा जो PERT CPM जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का जो सब्जेक्ट है हमारा सिविल इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजिंग एंड कंट्रोल में, इसमें जो BC पुनमिया का जो बुक है तो इस बुक पे रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स का रिव्यू करूँगा, उसके बाद PERT CPM का रिव्यू करूँगा, उसके बाद मैं RCC डिज़ाइन का रिव्यू करूँगा, ठीक है। RCC डिज़ाइन का जो पिल्ले का जो बुक आता है और BC पुनमिया का जो बुक आता है, दोनों बुक मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। Thank you.